गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम ब्लैक की जो नेक्स्ट पोएम है द टाइगर। इससे पहले हमने विलियम ब्लैक की ही दूसरी पोएम लंदन पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं द टाइगर। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि टाइगर की जो स्पेलिंग है TYZER है, और वैसे स्पेलिंग होती है TIZER, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेलिंग यूज़ की है विलियम ब्लैक ने, वो यूज़ किया TYZER, तो इसका भी रीज़न है यूज़ करने का, क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर है वो सिंबॉलिक मीनिंग में यूज़ किया गया है, इसलिए इसकी स्पेलिंग यहाँ पर TYZER यूज़ किया विलियम ब्लैक ने। सबसे पहले हम पोएम को रिसाइट करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम thy फियरफुल सिमेट्री, इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ thine आईज, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ thy हर्ट, and when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet, what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain, what the anvil, what dread grasp, dare its dreadly terrors clasp, when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see, did he who made the lamb make thee, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम thy फियरफुल सिमेट्री, ठीक है। तो ये है पोएम। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम पोएम पढ़ने से पहले देखते हैं। पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है और पोएम का जो लास्ट स्टेंजा है, वो दोनों स्टेंजाज सेम है, और हम इन स्टेंजाज को क्वेट्रेंस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हर जो स्टेंजा है उसमें चार लाइन है, ठीक है, और स्टेंजा में जब चार लाइन होते हैं तो हम उसको क्वेट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर छह क्वेट्रेंस हैं, फर्स्ट स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा सेम है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड अलग है। फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें पोइट्री ने फर्स्ट स्टेंजा की फोर्थ लाइन में यूज़ किया है कुड फ्रेम thy फियरफुल सिमेट्री, लेकिन जो लास्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन है वहाँ पर पोएट्री ने यूज़ किया है डेयर फ्रेम thy फियरफुल सिमेट्री, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड दी लास्ट स्टेंजास, और बाकी की जो लाइन है तीनों, वो तीनों की तीनों सेम है। अब हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं पोएम को, उसके बारे में बात करते हैं कि जो पोइट है उसने पोएम में पोएम जो है वो किस बारे में लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइगर जो है इट हैज़ सिंबॉलिक मीनिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, ओके, एंड द पोएम वाज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794, ठीक है। सो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, और यहाँ पर पोइट जो है वो टाइगर को जिसने क्रिएट किया है, ठीक है, दैट इज़ गॉड। तो भगवान ने, गॉड ने जिस टाइगर को क्रिएट किया है, इट्स अ फियरफुल एनिमल, ठीक है, बहुत ज़्यादा फियरफुल एनिमल के रूप में हम इसको देखते हैं। सो द टाइगर मूविंग इन द फॉरेस्ट एट नाइट वॉज क्रिएटेड बाई अ डिवाइन पावर, एंड द टाइगर इज क्रिएटेड बाई अ डिवाइन पावर दैट इज गॉड, एंड अ सुपर नेचुरल फायर बर्न्स इन द टाइगर्स आईज, अ सुपर नेचुरल फोर्स वॉज यूज इन मेकिंग द हर्ट ऑफ द टाइगर, ओके, हैमर चेन फर्नेस एंड एनविल वर यूज फॉर मेकिंग द फियरी और क्रूल ब्रेन ऑफ द टाइगर, द टाइगर वॉज क्रिएटेड इन सम कॉस्मिक क्राइसिस, ओके। सो ये जो पीरियड था, जिस पीरियड में, जिस एज में ब्लैक थे, जिनके पहले हम पोएम लंदन पढ़ चुके हैं, कि जो सिचुएशन थी, जो कंडीशंस थी, वो बहुत ज़्यादा
क्रिटिकल सिचुएशंस थी, ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और जिसमें लास्ट की जो पोएम पढ़े थे उसमें प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, गवर्नमेंट में जो करप्शन था उसके बारे में, करप्ट जो सोसाइटी थी उनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात हमने की थी। तो यहाँ पर भी जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है टाइगर का और इस पोएम का वो वैसा ही है। तो जो विलियम ब्लैक ने इससे पहले वाला जो कलेक्शन लिखा था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसमें वो लव के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन हर्ट की जो टेंडर फीलिंग्स है उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो उसके जस्ट ऑपोजिट है एक तरह से। उस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में वो एक लैम्ब की बात करते हैं, ठीक है, लैम्ब जिसको हम इनोसेंस का सिंबल कह सकते हैं, कि लैम्ब जो कि एनिमल होता है और इनोसेंस का सिंबल है, ठीक है, लेकिन ठीक ऑपोजिट सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने टाइगर का यूज़ किया है, ठीक है, ये इनोसेंस का सिंबल नहीं है यहाँ पर, ये एक तरह से फियर का सिंबल है, ठीक है, फियर का सिंबल है यहाँ पर। और पहली वाला जो कलेक्शन था उसमें उन्होंने लैम्ब का यूज़ किया था जो कि इनोसेंस का सिंबल माना गया है। टाइगर जो है यहाँ पर वो सिंबल है, किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ दी फियर्स फोर्सेस इन दी सोल विच आर नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट का ब्लैक ने यूज़ किया है फर्स्ट स्टेंजा में, टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो यहाँ पर फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ये भी इसका भी सिंबॉलिक मीनिंग है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट वर्ड है उसका मीनिंग है सिंबल ऑफ इग्नोरेंस, रिप्रेशन, सुपरस्टिशंस, ठीक है, डार्कनेस, ठीक है, फॉरेस्ट की जो डार्कनेस है वो उसका यहाँ पर सिंबॉलिक मीनिंग एक तरह से इग्नोरेंस से लिया गया है, रिप्रेशन से लिया गया है, सुपरस्टिशन से लिया गया है, जिनमें जो इंसान है वो एक तरह से इम्प्रिजेंड है, ठीक है। सो टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री का जो मतलब है यहाँ पर वो फॉर्म से लिया गया है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक तरह से द पोइट एक्सप्रेसेस वंडर एट द क्रिएटर ऑफ सच एन एनिमल एंड इट हैज़ अ सिमेट्रिकल बॉडी बट इट्स सिमेट्री इज फियरफुल, ओके, इट हैज़ अ सिमेट्रिकल बॉडी बट इट्स सिमेट्री इज फियरफुल, ओके, एंड इट हैज़ बीन फैशन्ड बाई अननोन सुपरनेचुरल स्पिरिट्स, इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज और वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वॉट द हैंड्स डेयर सीजेस द फायर, ओके, वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। यहाँ पर थर्ड लाइन में जो ही वर्ड यूज़ किया गया है वो क्रिएटर के लिए यूज़ किया गया है जो कि यहाँ पर गॉड है। तो फिर से पोइट जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, ठीक है, तो यहाँ पर टाइगर की जो आइज है वो एक तरह से सुपरनेचुरल पावर लिए हुए हैं, ठीक है, एंड व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हर्ट, सिन्यूज का मतलब यहाँ पर बॉडीली स्ट्रेंथ से लिया गया है, कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हर्ट एंड वैन दाई हर्ट बिगेन टू बीट वॉट ड्रेड हैंड एंड वॉट ड्रेड फीट, वॉट द हैमर, वॉट द चेन, इन वॉट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन, वॉट द एनविल, वॉट ड्रेड ग्रास्प डेयर द ड्रेडली टेरर्स क्लैस्प। और यहाँ पर जो एनविल वर्ड है उसका मीन्स मतलब होता है आयरन ब्लॉक ऑन विच ब्लैक स्मिथ पुट्स हॉट पीसेज ऑफ मेटल बिफोर शेपिंग देम विद हैमर, ठीक है, सो एनविल का मतलब होता है, एंड वॉट ड्रेड ग्रास्प डेयर इट्स ड्रेडली टेरर्स क्लैस्प When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, तो जब गॉड ने ये जो फियरफुल एनिमल है टाइगर उसको क्रिएट किया
तो स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स ओके एंड वॉटर हेवन विद देयर टीयर्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्स हैं उनको पर्सोनिफाई किया गया है, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया गया है बिकॉज दे शेड टीयर्स एंड डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी. ही यहाँ पर फिर से क्रिएटर के लिए यूज़ किया गया, पोइट के लिए यूज़ किया गया है कि डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी. जब गॉड ने क्रिएट कर दिया, किसको क्रिएट कर दिया, टाइगर को क्रिएट कर दिया. ठीक है, टाइगर को क्रिएट कर दिया जिसकी आइज में फायर है. ठीक है ना, जिसकी आइज में फायर है एंड उसका जो हैंड है वो भी ड्रेड है. ठीक है, फीट जो है उसके वो भी ड्रेड बताए गए हैं. तो पोइट जो है यहाँ पर वो रेटोरिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इस तरह के फियरफुल क्रिएटर को, फियरफुल एनिमल को क्रिएट करने के लिए पोइट जो है उसने कौन सा तो हैमर यूज़ किया होगा, किस तरह की वो चैन होगी, वो कौन सी फर्नेस होगी. ठीक है, वो कौन सी फर्नेस होगी जिसमें उस एनिमल जो है टाइगर जो है उसकी ब्रेन को तैयार किया गया होगा, वो किस तरह की एनविल हुई होगी. ठीक है ना, वो किस तरह का ग्रास्प होगा. ठीक है, तो एक तरह से सरप्राइज कर रहा है जो पोइट है, वो सरप्राइज कर रहा है और साथ ही साथ रेटोरिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इस तरह के फियरफुल सिमेट्री को क्रिएट करने के लिए, इस तरह के फियरफुल एनिमल को क्रिएट करने के लिए गॉड जो है, क्रिएटर जो है, उसने किस तरह के टूल्स यूज़ किए होंगे. ठीक है, और जब गॉड ने इस फियरफुल एनिमल को क्रिएट कर दिया तो स्टार्स जो हैं, स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वॉटर हेवन विद देयर टीयर्स. तो एक तरह से स्टार्स जो हैं दे शेड टीयर्स टू सी दिस फियरफुल सिमेट्री ऑफ गॉड. ओके एंड डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी. क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से कि क्या गॉड ने अपना ये जो क्रिएशन है, ठीक है, ये जो फियरफुल सिमेट्री है, ये जो फियरफुल फॉर्म है, उसको देखकर क्या गॉड ने स्माइल की होगी. डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी. क्या ये वही क्रिएटर है जिसने उस लैम्ब को बनाया था, दैट वॉज इनोसेंट. ठीक है, क्या उसी गॉड ने जिसने लैम्ब को बनाया था, क्या उसी गॉड ने इस फियरफुल सिमेट्री को क्रिएट किया है. ठीक है, इस टाइगर को क्रिएट किया है. तो यहाँ पर एक तरह से पोइट जो है वो आश्चर्य कर रहा है कि क्या ये गॉड वही है जिसने लैम्ब को बनाया था, जिसने अब टाइगर को बनाया है. फिर से रिपीट किया गया है फर्स्ट स्टेंजा, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री. ठीक है, तो अब यहाँ पर कुट की जगह डेयर वर्ड का यूज़ किया गया है कि वो कौन सा इमोर्टल हैंड होगा और आई होगी. तो यहाँ पर इमोर्टल हैंड और आई जो यूज़ किए गए हैं वो गॉड के लिए यूज़ किए गए हैं. क्रिएटर की इमोर्टल हैंड और आई की बात हो रही है कि व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. अब पोएम को समझने के लिए हमें इनका सिम्बोलिक मीनिंग समझना होगा. तो सबसे पहले तो बात करते हैं पोएम के इंट्रोडक्शन की. सो द पोएम द टाइगर वॉज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794. द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वॉज पब्लिश्ड एज अ फॉलो अप टू ब्लैक्स 1789 सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. द टू बुक्स वर पब्लिश्ड टुगेदर अंडर द मर्ज्ड टाइटल सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस शोइंग द टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल द ऑथर एंड प्रिंटर विलियम ब्लैक. ठीक है, तो पोएम जो है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कलेक्शन था जो कि 1794 में पब्लिश हुआ था उसमें पब्लिश हुई थी. ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के बाद में पब्लिश हुई थी जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी. और दोनों जो है वो मर्ज्ड टाइटल के रूप में पब्लिश हुई थी, जिसका टाइटल है पूरा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस शोइंग द टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल. दोनों जो कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ये दिखाते हैं टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल. ठीक है, एक तरफ लव टेंडर फीलिंग्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि कुछ सुपरस्टिशंस के बारे में, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के बारे में. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है. इसके बाद में पोएम के बारे में हम जो बाकी बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.